बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी करने के मामले में 1.5 साल से फरार आरोपी कांग्रेस नेता अकबर खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ने गई पुलिस को देखकर अकबर खान घर में महिलाओं के साथ बुर्का पहनकर छिप गया था, परंतु पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। 4 अक्टूबर 2022 को चाटेडीह निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता रज्जब अली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से 1 पेज का सुसाइडल नोट मिला था जो CM के नाम लिखा गया था। मामले में विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता अकबर खान और तैयब हुसैन के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें फरार बताया जा रहा था। सरकंडा CSP सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि रज्जब अली आत्महत्या के मामले में फरार आरोपी अकबर खान के उसके घर जाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह घर में महिलाओं के साथ बुर्का पहनकर बैठा हुआ था। वर्ष 2022 में रज्जब अली नाम के व्यक्ति ने फांसी लगा करके अपने घर में आत्महत्या की थी। इसमें मर्ग जांच जो है एडिशनल SP शहर जो साहब हैं उनके द्वारा की गई है। उसमें सभी उनके परिजनों का और आस पड़ोस के लोगों का भी कथन लिया गया है, जिसमें कथन में 2 आरोपी इसमें निकल करके आए हैं जिन्होंने उसकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है, जिसमें एक है अकबर खान और एक है तैयब अली, है ना। तो उसमें से एक को आज हमने अपराध 2022 में कायम किया है 28/24 थाना सरकंडा में, और उसमें एक व्यक्ति अकबर खान को आज हमने गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी के पीछे हम लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसमें बहुत मर्ग जांच में क्या था कि उनका एक सुसाइड नोट भी था, और वो सब जो प्रक्रिया थी पूरा कंप्लीट किया गया है। जमीन संबंधी विवाद होने से कई प्रकरण जो है पत्राचार राजस्व विभाग से भी किए गए हैं, तो सभी चीज़ों की जब पुष्टि हुई है उसके बाद इसमें कार्रवाई की गई। इसको अकबर खान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। अपने घर में वो अपनी वेशभूषा बदल करके बुर्का पहने हुए थे। उसके पश्चात उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है।